टू आवर चैनल, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ आई हूँ और आज की मेरी जो रेसिपी है वो है नारियल और सूजी के लड्डू। तो मैं कैसे बनाती हूँ नारियल और सूजी के लड्डू, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सूजी और नारियल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो पानी वाले नारियल लिए हैं, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसे हम मिक्सी में चला लेंगे। और मैंने 150 ग्राम मावा लिया है, मैंने 4 इलायची ली है, 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी सूजी जिसे मैंने हल्का भून लिया है, और मैंने 100 ग्राम बादाम लिया है, इसे भी मैंने हल्का भून लिया है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे नारियल को मिक्सी में चला लिया है और मैंने बादाम को भी हल्का, देखिए मैंने हल्का मिक्सी में चलाया है इसे। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, मैंने इसमें 1 चम्मच घी दिया है और अब मैं इसमें जो नारियल है वो मैं इसमें डालूँगी। और इसे हल्का ब्राउन कलर आने तक इसे हम भुनेंगे मीडियम फ्लेम में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नारियल है वो हल्का ब्राउन कलर में आ गया है। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें चीनी को ऐड कर दिया है, अब इसे हल्का भुनेंगे। हमारी जो चीनी है वो थोड़ी गलेगी इसमें, तो इसे चीनी गलने तक हम भुनेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो चीनी है वो गल चुकी है अच्छे से, इसमें पूरी तरह से अच्छे से ये मिल चुकी है। तो अब हम इसमें सूजी को ऐड करेंगे। सूजी हमने पहले ही भून के रखा था और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें बादाम को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मावा जो है उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें इलायची जो मैंने रखा था उसका मैंने पाउडर बना लिया है, तो अब हम उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस का जो फ्लेम है उसे हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे 10 से 5 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसका लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे इस नारियल और सूजी के लड्डू बनकर तैयार हैं। तो चलिए अब हम इसे इंजॉय करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, मैंने कैसे बनाए नारियल और सूजी के लड्डू। तो आप भी अपने घरों पर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।